अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज आपको फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से चैप्टर वायरस से अपना नेक्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ये इस चैप्टर का आई थिंक फोर्थ लेक्चर है। पिछले तीन लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, ये एग्ज़ाम में इसको किस तरह लिखना है और इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं, हत्ता के जो स्टूडेंट्स इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स को याद करने की ज़रूरत है। इस टॉपिक में आपने एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। मतलब आपको जो आज मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा उसमें एग्जाम्पल को आपने हिफ्स करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, लेकिन बाज़ औकात आपको चीज़ों को याद करना पड़ता है जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ याद करना पड़ता है। जैसे आपके चार पांच दोस्त है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके अपने पांच दोस्तों के नाम बताए, तो आपने वहाँ आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपने सिर्फ उनका नाम याद करना होता है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वो तो आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपने नाम याद करना होगा। तो वायरसेस को जब आप क्लासिफाई करते हैं तो जाहिर है हम लोग चीज़ों को इसीलिए क्लासिफाई करते हैं ताकि वो आसानी से हमें समझ आ जाए। और वायरस को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो तीन तरीकों से इसको क्लासिफाई किया जाता है, तीन तरीकों से। पहले तरीके में हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, शक्ल के बेसिस पे, कि कौन से शक्ल वाले वायरसेस है उस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस। यहां पर आप देख सकते हैं पहला तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मैं आपके लिए यहां पर कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूं कि जो पहला तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और जो दूसरा तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, और जो तीसरा तरीका है वो हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट। तो ये तीन तरीकों से हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रक्चर में आप एक लफ्ज मॉर्फोलॉजी भी आप यूज कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी शक्ल और सूरत की बुनियाद पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, या हम लोग ये भी कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये लफ्ज आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर जो आ रहा है वो है हेलिकल कैप्सिड, यानी ऐसे वायरसेस जिनका शेप हेलिक होता है या रॉड लाइक होता है। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ नहीं है रॉड लाइक, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि रॉड लाइक तो ये भी चलेगा, रॉड लाइक, और हेलिकल भी बनी हुई मैं आपको बताऊंगा। हेलिकल मीन्स शेप लाइक दिस, स्प्रिंग लाइक शेप, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारे पास है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ वायरसेस है जिनका शेप इस तरह से रॉड लाइक है, लेकिन अगर आप थोड़ा अंदर जाके देखोगे तो इसके अंदर प्रोटीन का कैप्सिड है, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कैप्सिड जो है वायरस का ऊपर कवर है, प्रोटीन का बना हुआ कवर है, कवर। तो ये जो प्रोटीन का कवर है वो दरअसल इस तरह से हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म में है, ऐसे। इसके अंदर जो प्रोटीन है वो इस तरह से अरेंज हुए हैं, ये जो प्रोटीन है वो इस अंदाज से अरेंज हुए हैं, जिसकी वजह से इसको हेलिकल कैप्सिड कहा जाता है, और आप लोग रॉड लाइक भी कह सकते हैं। तो इस तरह के वायरसेस जो रॉड की तरह हेलिकल की तरह है, उनमें से तो बहुत सारे वायरसेस हैं, लेकिन एक का नाम हमने आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, TMV, टुबेको मोजेक वायरस। ये प्लांट के अंदर मौजूद है, टुबेको मोजेक वायरस, इस टी से मुराद टुबेको, ठीक है, ये आप रेडी आपने बढ़ा होगा, एम से मुराद मोजेक, एंड वी से मुराद वायरस, ठीक है, TMV। दूसरे नंबर पर आ रहा है पॉलीहेडल विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। इसका ये जो वायरस है ये आपको पॉलीहेडल मींस इसका कैप्सिड, दोबारा इधर भी कैप्सिड है, लेकिन वो जो कैप्सिड है वो पॉलीहेडल है। पॉली मींस बहुत सारे, हेडल मींस साइड, बहुत सारे साइड्स के
पर मुश्तमिल है, ठीक है, राइट, लाइक दिस, राइट. तो कैन राइट इट लाइक दिस. अब आप देख सकते हैं ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है, ये चौथा साइड है, पांचवा साइड, छठा साइड, आठवां, नवां, बहुत सारे साइड्स हैं. अब यहां से क्या होगा, ये जस्ट लाइक फुटबॉल की तरह भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, अगर इसको हम लोग इस पर थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल. और हर जगह पर आपको अब ये उसका प्रोटीन का कोट है, बहुत सारे साइड्स हैं, ये जो हर कॉर्नर है उस कॉर्नर पर आपको एक एक स्पाइक, ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक बाहर निकला हुआ नजर आएगा. मिसाल के तौर पर ये एक कॉर्नर है, लेट सपोज ये कॉर्नर है, ये इस कॉर्नर से एक स्पाइक ऊपर की तरफ आया हुआ है, यहां से एक स्पाइक बाहर की तरफ आया होगा, यहां से एक स्पाइक बाहर की तरफ आया होगा. मैं आपको सिर्फ किनारे पर बता रहा हूं, ठीक है, जो किनारे पर, चूंकि ये एक कॉर्नर है, सो कॉर्नर सिर्फ किनारे पर नहीं है, कॉर्नर इसके आगे पीछे भी कॉर्नर हैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर आपको 3D नहीं दिखाया जा सकता. तो इस तरह से यहां पर भी, यहां पर जो जो कॉर्नर्स हैं, जस्ट लाइक फुटबॉल पे अगर आपको पैचेस नजर आ रहे हैं तो आगे पीछे हर तरफ आपको कॉर्नर्स नजर आएंगे, हर कॉर्नर से एक एक स्पाइक जो है वो बाहर निकला हुआ होगा. ये जो स्पाइक है ये ग्लाइकोप्रोटीन का है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा प्रोटीन का कैप्सिड है, और इस कैप्सिड से बाहर क्या निकला हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स निकले हुए हैं. तो ये जो पॉलीहेडल, अच्छा ये गोल नहीं है, ठीक है, पॉलीहेडल बहुत सारे साइड्स हैं. इसका एग्जांपल आपने याद रखना है, कौन सा एग्जांपल है, एडिनोवायरस, एडिनोवायरसेस इसका एग्जांपल है. अच्छा उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर क्या, एनवेलप्ड स्टडेड विद स्पाइक. यहाँ पर आपको जो वायरसेस नजर आएंगे वो थोड़े से गोल नजर आएंगे, ठीक है, इस बार आपको कैप्सिड की, कैप्सिड वाली बात हम आपको नहीं कहेंगे, इस बार कैप्सिड का कोई जिक्र नहीं है. इस बार जो वायरस है उस वायरस के आसपास इनविलप है, इनविलप है, ये इनविलप जो है ये लिपिड का है, ठीक है, ये किस चीज का इनविलप है, ये लिपिड का इनविलप है. अब आप ना समझे कि ये प्रोटीन का कोट है, ये लिपिड का एक इनविलप है. और आप सपोज कीजिए कि ये एक बॉल है, छोटा सा गेंद है, और उस बॉल के हर तरफ से स्पाइक्स निकले हुए हैं. अब मैं आपको आगे पीछे तो नहीं बता सकता, कम अज कम इतना तो बता सकता हूं कि यहां से स्पाइक निकला हुआ है, यहां से स्पाइक निकला हुआ है, ठीक है, यहां से स्पाइक्स निकले हुए हैं. तो ये तो किनारे से, साथ साथ आप यहां भी देख सकते हैं, यहां से भी जो है स्पाइक्स निकले हुए होते हैं. तो हर तरफ से, लेट सपोज अगर मैं आपके लिए गोल इस तरह का वायरस है और हर तरफ से जो है स्पाइक्स बाहर निकले हुए हैं, तो इस शेप में और इस शेप में फर्क यह है कि यहां पर इनविलप का जिक्र नहीं था, यहां पर पूरा का पूरा प्रोटीन था, और साथ साथ ये कॉर्नर्स थे, साइड्स थे, यहां पर कोई साइड नहीं है, सिर्फ गोल वायरस है, इसके आसपास लिपिड का एक पर्दा है और स्पाइक निकले हुए हैं. तो दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इधर से भी स्पाइक्स निकले हुए, इधर से भी स्पाइक्स निकले हुए हैं, दोनों से स्पाइक्स निकले हुए थे. तो ये गोल है वो गोल नहीं है. इस एग्जांपल में आपने देखा ये कौन सा, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसका शेप जो है वो इस तरह से इन्वेलप्ड स्टड विद ग्लाइकोप्रोटीन. लास्ट हमारे पास टेटपोल है. टेटपोल मेंढक का, फ्रॉग का जो बच्चा होता है, शुरू शुरू उसका हेड होता है, ठीक है, अगर आप देखें तो वो जो मेंढक के बच्चे होते हैं शुरू शुरू में वो आपको इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है, ऐसे टेटपोल के दुम होते हैं. तो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका शेप कॉम्प्लेक्स शेप होता है और उसमें पॉलीहेडल हेड होता है, साथ साथ टेल भी होता है, हेड और टेल, ये काफी कॉम्प्लेक्स वायरस को कहा जाता है. तो शेप लाइक दिस, ठीक है, अब यहां पर आप देखिए तो ऐसा हेक्सागोनल साइड है, फिर यहां से नीचे आकर इसके पास टेल है, लाइक दिस, दिस इज अ टेल एंड ऊपर का जो है दिस इज हेड. तो ये आपका जो वायरसेस है, हालांकि इसमें हेड के अंदर आपको कोट नजर आएगा, प्रोटीन का कोट कैप्सिड यहाँ पर भी नजर आएगा, लेकिन ये जो शेप है ना ये ना गोल है
ना ये रॉड लाइक है, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये मेंढक के जो बच्चे हैं उनके साथ का शेप मिलता जुलता है, इसीलिए इसको टेटपोलाइ कहा गया। तो ये था वायरस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द शेप स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी। ऐसे ऐसे वायरसेस हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आपने याद रखना है बैक्टीरियोफेज। दूसरे नंबर पर जब हम जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द जीनोम, जीनोम है क्या चीज? जीनोम हम कहते हैं डीएनए और आरएनए को, डीएनए एंड आरएनए, इसको हम जीनोम कहते हैं। तो डीएनए का तो आपने नाम सुना होगा, कोई ऐसा वायरस नहीं है जिनके पास डीएनए या आरएनए नहीं हो, कोई डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो हम ये देखेंगे कि किस वायरस में डीएनए है, किस वायरस में आरएनए है, उसी हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करेंगे, ये डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। अब डीएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी है, डबल स्ट्रैंड डीएनए भी है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी है, डबल स्ट्रैंड आरएनए भी है। तो वायरस के अंदर जो है उस इस हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे, साथ साथ एग्जांपल्स भी याद रखेंगे। जैसे पहले नंबर पर आ रहा है डीएस डीएनए, अब आप डीएस से परेशान मत होना, डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड, डीएस से मुराद, डी से मुराद डबल, एस से मुराद स्ट्रैंड, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस यानी ऐसे वायरसेस जिसके अंदर मिसाल के तौर पर ये एक वायरस है और इस वायरस के अंदर डीएनए मौजूद है लेकिन वो डबल स्ट्रैंडेड है, लाइक ठीक है। ऐसे जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो तो हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब कौन सा वायरस है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है? वो है एडिनो वायरस, हर्पस वायरस, फॉक्स वायरस, ये तीन नाम आपने याद रखना है, ठीक है। इसका सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज यही है कि आपने ये हिफ्स करना है कि कौन सा वायरस में डबल स्ट्रैंडेड है, किस में सिंगल स्ट्रैंडेड है, एमसीक्यूज भी ऐसे आपसे बनेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है एस एस डीएनए, तो एस सिंगल को बोलते हैं, एस स्ट्रैंड को बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अब यहां पर इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो वायरस है उसके अंदर डीएनए तो है लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। आप हैरान होंगे कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डीएनए तो हमने अक्सर पढ़ा था कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, भाई बिल्कुल मानते हैं। तो ऐसा डीएनए भी है, या अगर आप डीएनए के दो स्ट्रैंड ले लें, आप एक स्ट्रैंड को अलग कर लें, आपके पास एक स्ट्रैंड रह जाएगा, ये जो एक स्ट्रैंड रह जाएगा ये असल में अभी भी डीएनए है। इसको आप आरएनए नहीं कह सकते क्योंकि डीएनए और आरएनए में सिर्फ स्ट्रैंड के अलावा और भी तो फर्क है ना। डीएनए में यूरासिल नहीं होता, आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, तो ये फर्क तो है। लिहाजा आप हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि डीएनए सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसीलिए चीज को याद रखा करें। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसा वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और ये इसका एग्जांपल क्या है? पारवो वायरस, पारवो वायरस, ये अपने नाम याद रखना है, पारवो वायरस। इसके बाद तीसरे नंबर पर है डीएसआरएनए, व्हाट इज डी? डबल स्ट्रैंडेड, जिस तरह यहां पर डीएस था तो यहां पर डीएसआरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब आपने सोच रहे हो कि यार आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन है आरएनए, अगर एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, अगर उसी के साथ एक और आरएनए को रख दिया जाए तो अभी भी ये डबल स्ट्रैंड आरएनए ही होगा। तो हमारे पास क्या है, इस तरह वायरस होंगे, इसमें ये एक आरएनए है, इसके साथ दूसरा आरएनए भी होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। और इसमें एग्जांपल आपने याद रखना है रियो वायरस, आपने याद रखना है। उसके बाद है लास्ट में चौथे नंबर पर है आरटी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आरटी। ये जो आरटी है ये किसको शो कर रहा है? चलो ये तो वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड है, इसमें एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये सबसे ज्यादा मशहूर वायरस है जिसे हम एफएससी में पढ़ाते हैं, मतलब और एक बहुत बड़ी पब्लिश फेमस, मोस्ट फेमस बीमारी में ये यूज होता है जिसका नाम है एड्स, ठीक है, एड्स की जो बीमारी है। उधर जो वायरस है वो क्या है? वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी ये वायरसेस के अंदर एक ऐसी सलाहियत है कि ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को ये कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? डीएनए में। तो ऐसा एंजाइम जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
अब ये जो वायरसेस है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इनके पास है, साथ साथ उसके पास ये एंजाइम भी है, इसीलिए इसका नाम एसएसआरएनए आरटी रखा हुआ है। तो ये कौन कौन से एंजाइम है इसमें है हमारे सॉरी ये कौन से वायरसेस है आपने नाम याद रखना है, एच आई वी ह्यूमन एमिनो वायरसेस जो इंसान के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, जिसका जिसे डिजी एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है एड्स एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसी चैप्टर में आपको इसके बारे में बताएंगे भी। तो ये था दूसरा कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट। वायरस खुद से कुछ नहीं कर सकता, ये किसी दूसरे जिंदा जिस्म के अंदर रहता है, तो वो जो दूसरा जिंदा जिस्म है वो तो होस्ट कहलाता है। अब जो वायरसेस प्लांट के अंदर रहता है, प्लांट उसके लिए होस्ट है, तो प्लांट वायरस उसका नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट वायरस में टिबेको मोजेक वायरस टीएमवी का लफ्ज आप ऐड करेंगे। अब जो वायरसेस बैक्टीरिया को जो है बैक्टीरिया के सेल के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया उसके लिए होस्ट है, तो व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया एज अ होस्ट यूज करते हैं किस चीज को, बैक्टीरिया को एज अ होस्ट। अब इसमें एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज किस तरह का वायरस है, किस तरह ये लाइफ साइकिल प्रोसीड करता है अपना लाइफ साइकिल, वो भी मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि एक ये एच आई वी वायरस का जिक्र जरूर आएगा और साथ साथ बैक्टीरियोफेज का जिक्र भी आएगा। लास्ट में एनिमल वायरसेस। अब जाहिर है वो वायरसेस जो एनिमल्स की बॉडी में के अंदर रहते हैं दे आर कॉल्ड एज एनिमल वायरसेस। तो आपने सुना होगा हर्प्स वायरस, एच आई वी एड्स वायरस, ये चूंकि एनिमल्स के अंदर रहते हैं लिहाजा दे आर कॉल्ड एज एनिमल वायरसेस। तो इन तीन तरीकों से हम वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं। आई होप आपको एक छोटा सा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। हमेशा की तरह बस मुस्कुराते रहे, दूसरों को भी मुस्कुराइए, खुद भी मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।